यूपी के बलिया में ट्रिपल मर्डर को लेकर सनसनी मची हुई है। यहां पिता सहित दो बेटों की हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला सोनवागी गांव का है, जहां एक ही परिवार के दो बेटों का शव कुएं और पिता का शव किचन में खून से लथपथ मिला। बता दें कि पुलिस ने घटना के आरोपियों का 8 घंटे में खुलासा किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये मर्डर रुपयों के लेन देन की वजह से किया गया था। हत्या का मास्टरमाइंड भोलू सहित 4 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज एक सूचना मिली थी कि कुएं में एक डेड बॉडी मिली है। तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर 112 की गाड़ी के अलावा थाने की पुलिस और बाकी अधिकारीगण पहुंचे। बॉडी को बाहर निकाला गया तो उसमें देखा गया कि धारदार हथियार से उसकी मृत्यु करके उसे कुएं में डाला गया था। उनकी पहचान उसी गांव के निवासी आनंद विक्रम सिंह के नाम से हुई, जिनके घर जब जाया गया तो वहां पे देखा गया कि उसी घर में उनके किचन में उनके पिताजी की भी डेड बॉडी मिली है। मौके को देखते ही तुरंत दोनों बॉडीज़ को वहां से मॉर्चरी के लिए भिजवाया गया और थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया इस संबंध में। और इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया और इन 5 टीमों ने घटना दर्ज होने के 8 घंटे के अंदर ही जो घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी हैं भोलू प्रवीण सिंह और उसके 3 साथी जिन्होंने मिलकर के घटना की है, इनको पकड़ लिया है। इनके पास से आला, इनकी निशानदेही पे आला कत्ल बरामद हो गया है। उसके बाद दो घंटा बीतने के बाद प्रशासन जब आई घर पे चेक करने के लिए, घूमने उमने के लिए, तो देखी कि उमा शंकर सिंह की भी लाश अंदर पड़ी है। इसे दो दो घटनाएं बड़ी दुखद। यहाँ पे कौन कौन रहता था? यहाँ पे उमा शंकर सिंह लड़के के पिता है, संदीप सिंह सेकंड नंबर के लड़के हैं। इनके लड़के तीन हैं। सबसे बड़े वाले यहाँ रहते हैं। कितनी बार? दो लड़के बाहर, एक लड़के बाहर रहते हैं, दो लड़के घर पे रहते हैं यहाँ पे।